साइंस टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जॉनसन बेबी पाउडर से होता है कैंसर, कंपनी पर लगा हजारों करोड़ का जुर्माना। ज्यादातर लोग अपनी जरूरतों को लेकर लापरवाह होते हैं, लेकिन बच्चों के मामले में कोई समझौता नहीं करते। बच्चों को बढ़िया से बढ़िया चीज देना चाहते हैं। ऐसे में नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए सबसे पहले जो ब्रांड दिमाग में आता है वो है जॉनसन एंड जॉनसन। लेकिन इस कंपनी के बेबी पाउडर की वजह से कैंसर होने की बात सामने आई है। अमेरिका में सेंट लुई की अदालत ने पाया है कि जॉनसन कंपनी के बेबी पाउडर की वजह से गर्भाशय का कैंसर हो सकता है। साथ ही अदालत ने कंपनी पर 4.69 अरब डॉलर यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम जुर्माने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल कंपनी के खिलाफ अमेरिका के मिसौरी राज्य में कई महिलाओं ने मामले दर्ज करवाए थे। 22 महिलाओं द्वारा दायर किए गए एक मामले में ज्यूरी ने सर्वसम्मति के बाद यह फैसला जारी किया। इस मामले में 22 पीड़ित महिलाओं का आरोप था कि जॉनसन बेबी पाउडर में मौजूद एस्बेस्टस की वजह से उन्हें गर्भाशय का कैंसर हुआ। इन महिलाओं ने कहा कि कंपनी लोगों को यह चेतावनी देने में विफल रही कि उसके बेबी पाउडर में खतरनाक स्तर पर एस्बेस्टस है। सालों से इसके रोजाना इस्तेमाल के कारण इन महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर हुआ और 6 महिलाओं की जान भी जा चुकी है। माना जा रहा है कि पाउडर की वजह से हुई बीमारी के लिए यह सबसे बड़ा मुआवजा है। ज्यूरी ने दोनों पक्षों के 6 हफ्तों तक बयान सुनने के बाद कंपनी को 28,152 करोड़ रुपए दंडात्मक क्षतिपूर्ति और लगभग 3,800 करोड़ रुपए प्रतिपूरक क्षतिपूर्ति के रूप में शिकायतकर्ताओं को देने के आदेश दिए। अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों से पता चला है कि कुछ वैज्ञानिकों ने कंपनी के बेबी पाउडर में खतरनाक तत्व होने की चिंता जताई थी, लेकिन कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। कंपनी पर इस तरह के आरोप पहले भी कई मामलों में लगे हैं और उस पर जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन इस बार का जुर्माना अब तक सबसे अधिक है। दूसरी ओर जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा है कि उसके पाउडर में एस्बेस्टस या कैंसर पैदा करने वाले तत्व नहीं हैं और वो फैसले के खिलाफ अपील करेगी। कंपनी ने कहा है कि उसका पाउडर सुरक्षित है और पहले भी इस प्रकार के निर्णयों को उच्च अदालतों ने तकनीकी व कानूनी आधारों पर बदला है। आपको बता दें कि इस समय जॉनसन एंड जॉनसन उत्पादों के इस्तेमाल से बीमारी होने के मामले में करीब 9,000 मुकदमे अलग अलग अदालतों में लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सांच टीवी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सांच टीवी ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए। ताजा खबरों के लिए आप www.sanch.tv पर भी जा सकते हैं।